नमस्कार दोस्तों, आज का ये प्लान पूर्वमुखी घर के लिए है, ईस्ट फेसिंग होम प्लान विथ वास्तु। किसी सब्सक्राइबर का काफी समय से कमेंट आ रहा था कि सर इस तरह का प्लान बनाइए ताकि हमारे लिए सुविधाजनक हो, तो उन्होंने कैसा कहा है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, जो प्लाट का साइज लिया गया है वो 30x60 फीट प्लाट का साइज लिया गया है, और प्लाट का सिर्फ आगे से मेन रोड जा रहा है, उधर से सिर्फ अपना प्लाट ओपन है। अगर आपका प्लाट कॉर्नर का है यानी कि दो साइड रोड है, तो भी आप इस प्लान के अकॉर्डिंग घर बना सकते हैं। तो ये प्लान कुछ इस तरह से रेडी किया गया है कि इसके अंदर आपको पूरा तो वास्तु हम मेंशन करेंगे, पूरा वास्तु समझाएंगे, प्लस कितने बाय कितने के रूम वगैरह लिए गए हैं और कैसे आपको घर का निर्माण करना है वो सारी चीज इसमें बताएंगे। सबसे पहले देखिए, प्लाट आगे से 30 फीट की चौड़ाई में है, मगर घर का जो निर्माण होगा वो मात्र 27 फीट की चौड़ाई में किया जाएगा, और पीछे से भी प्लाट अपना 30 फीट की चौड़ाई में है। लंबाई प्लाट की इधर उत्तर दिशा से भी 60 फीट है और इधर दक्षिण दिशा से भी 60 फीट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब आपके घर के तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि इसमें इधर दक्षिण दिशा में दूसरों का घर है, अदर प्रॉपर्टी है, पश्चिम पीछे भी दूसरों का घर है, अदर प्रॉपर्टी है, और नॉर्थ में उत्तर में भी अदर प्रॉपर्टी है, दूसरों का घर है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है वेंटिलेशन की, कि खिड़की दरवाजे कैसे रखें कि घर काफी हवादार, रोशनी से भरपूर हो और पॉजिटिव एनर्जी काफी रहे घर में। तो उसके लिए घर के चारों तरफ हमने स्पेस छोड़ा है। दक्षिण दिशा में हमने 1 फीट का स्पेस छोड़ा है सिर्फ वास्तु के अकॉर्डिंग, वेंटिलेशन अकॉर्डिंग, और पीछे 2 फीट है और इधर 2 फीट है, तो जगह का चौड़ाई काफी कम होने के कारण हमने उसी हिसाब से स्पेस को छोड़ा गया है। उसके बाद में देखिए, चारों तरफ अपना स्पेस हो गया घर के, फिर हम घर का जो मुख्य द्वार होगा, जो मुख्य द्वार हमने ईशान कॉर्नर में यहाँ पर दिया है, मुख्य द्वार जो मेन लोहे का दरवाजा लगेगा वो यहाँ पर लगेगा। जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं, 2 फीट का स्पेस छोड़ा है हमने यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हमने 6 फीट का स्पेस छोड़ा है जहां पर आप अपना गार्डन लॉन वगैरह कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर 2 पिलर लगेंगे आपके, ठीक है। ऊपर का जो छज्जा आएगा वो पूरा यहाँ तक आएगा आपके, ताकि वास्तु अकॉर्डिंग रहे, और नीचे जो हम पार्किंग एरिया दे रहे हैं वो पूरा कवर रहे, और आपकी छत जो बनेगी, जो ऊपर से छत की जो एलिवेशन डिजाइन बनेगी वो काफी सुंदर बनेगी। तो ये देखिए, 21 फीट 9 इंच की लंबाई है, 10 फीट 6 इंच काफी होता है पार्किंग के पर्पज से, तो पूरा पार्किंग एरिया दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, 10x5 फीट 5 इंच का स्पेस दिया गया है, ठीक है। स्पेस देने के बाद में आप देखें, यहाँ पर हमने बाहर की तरफ सीढ़ियां दे दी है, वास्तु के अकॉर्डिंग है, बाहर की तरफ सीढ़ियां है। अब इस घर के अंदर क्या है, इस घर के अंदर हमने 2 सीढ़ियां दी है, एक दी है बाहर और एक सीढ़ी दी है घर के अंदर। बाहर इसलिए दी है कि इन फ्यूचर जैसे क्लाइंट ने जैसा कि हमें मैसेज किया था, कॉमेंट आया था उनका, कि इस हिसाब से हमको अपना प्लान चाहिए कि बाहर की सीढ़ी ऊपर जाने के लिए हो, जैसे नीचे का पोर्शन अगर हम रखें या भाई का पोर्शन हो तो हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बाहर की सीढ़ी उनकी अलग सेपरेट हो और अंदर की सीढ़ी हमारी सेपरेट हो। ये सीढ़ी डायरेक्ट आपके ऊपर के तल्ले पर जाएगी। अगर आप फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं तो आपका जो सेकंड फ्लोर की छत होगी, डायरेक्ट उसके ऊपर ये सीढ़ी जाएगी फर्स्ट फ्लोर होते हुए, तो उनका फर्स्ट फ्लोर में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। यहाँ से ये कवर रहेगा, ये आप देख रहे हैं दीवार रहेगी पूरी कवर, और ये सीढ़ी पूरी आपके फर्स्ट फ्लोर पर भी जाएगी और ऊपर आपके सेकंड फ्लोर की छत के ऊपर भी जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सीढ़ियां दी गई हैं। उसके बाद में देखिए, पार्किंग एरिया बड़ा सारा है। फिर आप अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ आपका मुख्य द्वार लगेगा, बाहर ये सीढ़ी है 3, फिर मुख्य द्वार है, अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ जो आप ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपना मार्बल या लकड़ी का पूजा घर आपको रखना है, पूजा घर बनाना है मार्बल या लकड़ी का, यथास्थान पर बनाना है ईशान कॉर्नर में। फिर यहाँ पर आपके सोफे वगैरह लग जाएंगे, बड़ा सारा हॉल हो जाएगा, 25 फीट 6 इंच यानी 25.5 फीट की इसकी चौड़ाई रहेगी हॉल की, और 16 फीट लंबाई रहेगी, तो काफी बड़ा हॉल रहेगा। फिर ये अंदर की सीढ़ियां होगी, पूरी दक्षिण की दीवार से देते हुए पूरी क्लॉकवाइज सीढ़ी रहेगी, काफी सुंदर लगेगी। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, यहाँ एक दरवाजा लगेगा, 3.5 फीट का दरवाजा होगा ये। अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देख रहे हैं, 7 फीट 9 इंच की चौड़ाई है, 11 फीट की लंबाई, यानी 11 फीट की लंबाई, 7 फीट 9 इंच की चौड़ाई में आपकी डाइनिंग टेबल लग जाएगी, एक विंडो आपकी यहाँ पर ओपन होगी। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आपका एक दरवाजा लगेगा और अंदर किचन यानी कि रसोई घर होगा, 11 फीट x7.9 इंच का रसोई घर होगा, जहां पर आपका गैस चूल्हा वगैरह सेट हो जाएगा, और एक विंडो रसोई घर की भी इधर ओपन हो जाएगी ताकि अच्छा वेंटिलेशन हो।
फिर आप सीधे सामने प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आपका कॉमन लेट बाथ दिया गया है। फिर इधर प्रवेश करेंगे, एक बेडरूम दिया गया है, ग्राउंड फ्लोर का पूरा प्लान रहेगा। जब भी घर का निर्माण करें, अच्छे वास्तुशास्त्री से ही अपना नक्शा बनवाइए, चाहे आपके नियरेस्ट कोई भी अच्छे वास्तुशास्त्री है। बिना वास्तुशास्त्री से, बिना वास्तु के कभी भी घर का निर्माण ना करें। घर बार बार नहीं बनता है, लाखों रुपए लगते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए दरवाजा लगेगा, ये नृतज्ञ कॉर्नर का रूम रहेगा, 16 फीट लंबाई है, 11 फीट चौड़ाई है, बड़ा सारा रूम है, पूरा वास्तु अकॉर्डिंग सबसे शुभ साइज दिया गया है। एक विंडो आपके पीछे की जो 2 फीट की गैलरी है उसमें ओपन हो जाएगी, एक विंडो आप इधर देना चाहें तो पीछे की तरफ दे सकते हैं, ठीक है। हमने सीढ़ियों के नीचे भी जो स्पेस रहेगा उसमें भी एक खिड़की दी है इधर, ताकि आंगन का वेंटिलेशन रहे, क्योंकि आंगन की जो एक खिड़की हमने बड़ी दी है यहाँ पर 5 फीट की चौड़ाई में, वो आपके उत्तर दिशा में दी गई है, और क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा दोनों खिड़कियों का, तो गजब का वेंटिलेशन आपके घर का आंगन का रहेगा, रोशनी भी भरपूर रहेगी। इस रूम के अंदर अटैच आप लेट बाथ दे सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 फीट 3 इंच बाई 6 फीट का अटैच लेट बाथ है, और एक आपका यहाँ पर विंडो रहेगा। उसके बाद में इस रूम के ठीक सामने प्रवेश करेंगे, यहाँ पर एक आपका रूम रहेगा, उसके अंदर यहाँ पर आप जाएंगे, इधर एक दरवाजा है, ये आपका ड्रेस चेंज करने के लिए स्पेस है, उसके अंदर ही आप कॉमन इसका अटैच लेट बाथ रहेगा, वेंटिलेशन पीछे की तरफ रहेगा। इस रूम का एक खिड़की इधर ओपन रहेगा, 2 रूम है, किचन है, डाइनिंग है, बड़ा सारा हॉल हो गया आपके, पूजा घर का स्पेस है, बाहर सीढ़ी है, अंदर भी आपके सीढ़ी का स्पेस दिया गया, बड़ा सारा पार्किंग स्पेस है, बाहर लॉन है, चारों तरफ वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया गया है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, फर्स्ट फ्लोर का प्लान इससे भी शानदार होगा, आगे के वीडियो में हम वो भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई भी रिक्वायरमेंट आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप अगर हमसे वास्तु के अकॉर्डिंग अपना नक्शा बनवाना चाहते हैं तो वो पर्सनल अगर आप वर्क करवाते हैं तो वो पेड सर्विस रहती है, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।